एक सभा में या फिर कुछ पार्लियामेंट सेशन में ऐसे ऐसे कोई महिला थी, वो प्रेसिडेंट, मैंने ट्वीट रीट्वीट किया हुआ था, देखा था क्या? तुम्हारा तुम्हारा ट्वीट देखा मैंने। हाँ, तो उस बता रहे थे जिस तरीके की पिक्चरें लग रही हैं, मेरी बेटी और उसके कुछ दोस्तों ने पिक्चर खत्म होने से पहले ही वो निकल आई, 12-13 साल के बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है ना। 12-13 साल के बच्चों पे गलत प्रभाव नहीं, कौन से 12-13 साल के बच्चों की बात हो रही है इधर? हाँ, तभी तो भाई पिक्चर की क्या रेटिंग मिली है, अडल्ट सर्टिफिकेशन 18 साल। पहली बात तो ये है कि 12-13 साल के बच्चे घुसे कैसे, ये बता, ये थिएटर्स वालों की कमी है भाई, पिक्चर की कमी नहीं है। सेंसर बोर्ड तो हमको ये बता दो कि आप उनको अंदर घुसने कैसे लेके कैसे गई आप। पहले तो उनको वही उनसे ये सवाल क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जानी चाहिए थी। आप इतनी बड़ी सभा में खड़े होके ये सीधे सीधे बोल रहे हो हमारे 12-13 साल के बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है। भाई वो 18 प्लस पिक्चर, उसको लेकर जाओ स्पाइडरमैन दिखा दे यार। ये वीडियो संदीप देख के बोले यार क्या करूं मैं इनका, क्या मैं करूं, क्या करूं, ये भी मेरी गलती है 12-13 साल। बाद में बताया मुझको भी देख, बाकी ये स्टेटमेंट जानने के बाद भी मुझे ये फील हुआ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के, मतलब उन्हें ये प्रभाव ऐसा क्यों पड़ा, मतलब ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि भाई फीमेल डायरेक्टर्स की कमी है इंडिया में, क्योंकि अगर फीमेल डायरेक्टर्स एक इक्वल स्पोर्ट के हिसाब से अगर खुद को रिप्रेजेंट कर पाती फिल्म मेकिंग में, तो मे बी शायद ये कहने को ना मिलता कि भाई क्या प्रभाव पड़ता। नहीं ऐसा नहीं है, जैसे फीमेल डायरेक्टर्स होती और अगर एनिमल एक मेल डायरेक्टर ने बनाई होती तो एनिमल के क्रिटिसिज्म कम होती, ऐसा तुम बोल रहे हो? हाँ, एक फीमेल डायरेक्टर बनाती तो क्रिटिसिज्म कम होता। नहीं, सुनो ना, एक कल्चरल डिफरेंस भी होता है। तुम्हें क्यों लगता है कि जब ऐसे कोई कल्ट प्रोपेगेंडा या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग की जब कोई स्कीम निकल रही होती है तो सबसे पहले औरतों और बच्चों को क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस जल्दी होते हैं। वही ना, ये इन्फ्लुएंस वो जल्दी हो जाते हैं। पर तुम एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है कि फीमेल को ऐसी पिक्चर बनाती? अभी तो बनाने ही वाली है, सुनने में तो आ रहा है टॉक्सिक, बट दैट इज व्हाट आई वांट टू सी कि मतलब वो कितनी ज्यादा टॉक्सिक लेवल पे जा सकती है। खैर उस पे अपन बात करेंगे, हां भैया डिटेल में आगे बात करेंगे। तुम्हें क्या लगता है, मतलब बात तो ऐसी चल रही है कि मतलब इस तरह की मूवीज बननी ही नहीं चाहिए इंडिया में। अब दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन, बता वही, मैं एज एन एडल्ट मैं क्या करूं फिर? नहीं, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो कि उस मूवी के कलेक्शंस देख लो तुम, ठीक है, मूवी हैज वर्क्ड लाइक एनीथिंग। धनराशि, धनराशि, इसके इसके बारे में बादल बता देगा तुमको बहुत अच्छे से। बादल, बादल पैसों की बात प्लीज बताइए बादल, प्लीज। अगर इतना सा शो अस द नंबर्स ब्रो, किसी के माइंड में कि नहीं पिक्चर अब आगे चल के ऐसी नहीं बनेगी क्योंकि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब तो ढूंढ ढूंढ के डायरेक्टर्स को उठाया जाएगा, तू ऐसी पिक्चर बना सकता है, आ जा, क्योंकि इतना इतना अंधा जा रही है ना। मैंने जो एनालाइज किया था उस हिसाब से मैंने कलेक्शन लिस्ट बताई थी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्यूचर में कि इतना इतना अगर कमा लेगी तो 600 नेट कर टच कर सकती है ऑल ओवर इंडिया, और वो उससे ज्यादा कमाई है। एनिमल को जिस तरीके से लोग परसीव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि एक अगर इस मूवी को पसंद करना किसी के चरित्र के बारे में बताता है तो आप बिल्कुल ही गलत हो और आपने बहुत सिनेमा देखा। तुमको किसने बोला क्या पिए? किसने बोला तुमको? बताना उसका, किसने बोला तुमको? उठवा ले, क्या बोलते हैं? हाँ, उठवा ले वो, ये ज्यादा हो जाएगा। हाथ कर लगा। फिर बाद में बोलते हैं यही है वो लोग, ठीक है, यही है वो लोग, इन्हीं लोगों ने। इसके ऊपर मनोज वाजपेयी का जो क्लिप काफी वायरल हो रहा था ना, हाँ, वो देखकर मतलब मेरे को ऐसा थॉट क्लियर हुआ कि हाँ बंदा जो बोल रहा है सही बोल रहा है। हाँ, कि कोई भी मतलब मूवी को तुम ये नहीं बोल सकते कि बननी ही नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, क्रिटिसाइज करो, ये ऐसी बात भी नहीं कि मत ही देखो आप, कि अगर आप नहीं पसंद है, बिना पसंद के भी इंसान मूवीज देख लेता है, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ओ अब मैं समझ पाता हूँ कि आपको क्यों नहीं पसंद आएगा। जैसे कि नहीं फिल्म कंपेनियन वाली महिला का क्या नाम है मुझे पता नहीं है, ठीक है, उनका रिव्यू मैंने देखा हुआ था, उन्होंने एंड में बोला कि जब पोस्ट क्रेडिट सीन में जब वो स्लैश करने वाला सीन आता है तो उनको भी उल्टी जैसा महसूस हुआ। तब मुझे फीलिंग आई कि ओ अच्छा, अब समझ में आया कि आपको ये पिक्चर क्यों नहीं पसंद आएगी, क्योंकि आप वो ऑडियंस ही नहीं, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरा वही तर्क आया उस पे कि अगर आप पर्सनली मीट भी खरीदने जाएंगे ना बाजार में, आपको वहां भी उल्टी आ जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि अबे चलो
अगर ऐसी बात है कि अगर आपको ये चीज वायलेंट लग रही है तो फिर तो बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, बहुत सारी। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लो, शुरू में बता ये कोई दिस इज नॉट द फर्स्ट मूवी टू डू दिस। हाँ, शुरू में बता मैं इसको लेकर बहुत ज्यादा था नहीं, क्योंकि मैं मेनली ट्विटर पे मैं फॉरेन मूवीज के ऐसे रिव्यूज डालता रहता हूँ और इतना एक्सपोज्ड हूँ कि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था कि हाँ वॉयलेंस होने के मामले में इतने, तो कितने वॉयलेंस छुपा के रखे हुए हैं, कितना वॉयलेंस छुपा के रखा हुआ है, बहुत तो, चीजें छुपा रखी है। हाँ, तो आखिरी में तो जब वो उसको मारता है तो एक्चुअली अपने को दिखाते भी नहीं, खून ही तो उछलता है ना। हाँ, ऊपर जो शुरू का शॉटगन वाला सीन पूरा उड़ जाता है और यहाँ से खून ऐसे वही तो वही ना शुरू का जो सबसे बड़ा एक्शन सीन है वो शॉटगन वाला, वो भी छुपा के रखा है उन्होंने। अरे वो और आखिरी में बॉबी देओल को भी जब मारता है तो वो सिर्फ ऐसे ऐसे तो कर रहा है। हाँ, मतलब वो नहीं था कि निकाल दिया उसने। हाँ, उसका जो डीपी होता है ना सर, बॉडी में इतना खून नहीं होता है। जब जब गंगूबाई काठियावाड़ी आई, ठीक है, लड़कियों ने बहुत पसंद किया, रीले उले बनी। मैंने तो नहीं बोला कि भाई गंगूबाई काठियावाड़ी इज इक्वल टू भाई प्रोस्टिट्यूशन इज इक्वल टू पावर हो गया, ठीक है। मैं तो नहीं बोला कि ये किसी चीज को बढ़ावा दे रही है या क्या इंस्पायर कर रही है लोगों को। तो भाई वो आपने वहां पे इंजॉय किया, यहाँ पे मैंने इंजॉय किया। गंगूबाई काठियावाड़ी भी मुझको सही लगी, ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं थी, लेकिन महिलाओं के बीच में काफी चर्चित पिक्चर है, जिसकी वो बात मैं समझता हूँ कि ठीक ना, कम बनती है इसकी वजह से आपको वो नहीं मिल पाती फीलिंग जिससे आप रिलेट कर पाओ। इसलिए मैंने बोला ना कि जब ज्यादा फीमेल डायरेक्टर्स आएंगी तब एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हाँ नहीं क्या क्या पॉसिबल है।